नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इसके प्रीवियस वीडियोज को देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 का थीम क्या है, यानी इस वर्ष जो महिला दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका थीम क्या है। बात करेंगे कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्यों मनाया जाता है, बट पहले इसके थीम के बारे में बात करते हैं। इस बार का थीम्स था वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अब डेफिनेटली यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है। तो प्रतिवर्ष हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। अब इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो एक महिलाओं के द्वारा आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी। 1908 के आसपास महिलाओं द्वारा आंदोलन किया गया, स्पेशली जो मजदूर महिलाएं थी उनके द्वारा, कि इनके कार्य अवधि को कम किया जाए और उनके सैलरी को बढ़ाया जाए। और इसी आंदोलन के बाद 1910 से प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इस बार भी मनाया गया और इसका थीम रहा वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। और ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन देश के और विदेश के बड़े बड़े लोग जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं महिलाओं के बारे में और बाद में जाकर भूल जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो और कुछ महिलाओं की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं की। तो इसमें पहला नाम है आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। ये कौन है? पुणे शहर में जन्मी और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिए। अगला नाम है रोशनी शर्मा और हाल ही में पहली ऐसी महिला बाइकर बनी जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर बाइक से तय किया। अगला नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, अरुणिमा सिन्हा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है रीता फारिया। ये मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी और एशियाई मूल की महिला थी, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला नाम है मिताली राज। मिताली राज पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारा है। मदर टेरेसा आप सभी परिचित होंगे। मदर टेरेसा ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो कि नोबेल प्राइज जीती। 1949 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये मेसिडोनिया की निवासी थी। अगला नाम इंदिरा गांधी। आप सभी तो परिचित हैं ही, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ साथ पहली रक्षा मंत्री और पहली वित्त मंत्री भी बनी थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए भारत की पहली पूर्णकालीन रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री कौन बनी है तो वह है निर्मला सीतारमन। बट भारत की पहली वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पूछा जाए तो नाम होगा इंदिरा गांधी का। प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1977 में स्पेस में गई थी। किरण बेदी। किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी और ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी थी। बट कहा जाता है ना कि राजनीति हर किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए हाल ही में तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया और किरण बेदी को वहां से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है एडीबी, फुल फॉर्म क्या है, सारी चीजों को बात करेंगे। बट पहले बात करते हैं एडीबी के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष मात्सुको असाकावा, ध्यान रखिए। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई देशों को विकास के लिए ऋण प्रोवाइड करती है ये बैंक है। इसका अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और कुल 68 देश इसका सदस्य है। अब ऑप्शन में तीन नाम और है, कौन है? टेड्रोस एंड्रोम, मार्कोस ट्राइजो और डेविड मालपास। कौन है ये तीनों, फटाफट मुझे बताइए। पहला नाम टेड्रोस एंड्रोम, तो ये तो आप परिचित होंगे। टेड्रोस एंड्रोम कौन है? WHO के महानिर्देशक हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा में और कुल 194 देश शामिल है। अगला नाम यहाँ पे मार्कोस ट्राइजो का है, कौन है ये फटाफट बताइए। मार्कोस ट्राइजो, तो मार्कोस प्राटो ट्राइजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 2014 में, मुख्यालय चाइना में है और सदस्य देश 5 है। लास्ट जो नाम है वो है कौन, डेविड मालपास। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और इसके प्रबंध निर्देशक कौन है, अंशुला कांत, भारतीय मूल की है। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय Washington DC में है और सदस्य देश कुल 189 है। तो इस प्रकार से विश्व बैंक कंप्लीट हो गया, एडीबी कंप्लीट हो गया हमारा और
न्यू डेवलपमेंट बैंक कंप्लीट हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? तो उत्तर होगा ये उड़ीसा की प्रमुख चित्रकला है। ध्यान रखिए कहाँ की चित्रकला है, उड़ीसा की चित्रकला। बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग, आप परिचित होंगे बिहार की है। तो एक बार चित्रकला को रिवाइज कर लेते हैं, पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा की है, रंगवली चित्रकला कर्नाटक की है, चिंकारी चित्रकला लखनऊ की है, जबकि कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है, आरोप चित्रकला हिमाचल प्रदेश की है, कालीघाट चित्रकला कोलकाता की है, मधुबनी चित्रकला बिहार की है, जबकि पिथौरा चित्रकला गुजरात की है, मंडाना चित्रकला राजस्थान की है, कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु की है, तंजौर चित्रकला भी तमिलनाडु की है, फुलकारी चित्रकला पंजाब की है, गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की है, बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है, और वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। तो एक चित्रकला से प्रश्न अगर बने तो इनसे ही बनेंगे, इनसे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता यानी समाचार एंकर को नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। अब क्या है इनका नाम, क्या खास चीज है, बात करेंगे। तो हाल ही में बांग्लादेश की एक निजी टेलीविजन चैनल ने एक ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में नियुक्ति दी है। इनका नाम ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तनुवा आनंद सिसिरी इनका नाम है। क्या नाम है, तस्नुआ आनंद सिसिर इनका नाम है। ये बांग्लादेश की है और किस चैनल ने इनको नियुक्त किया है, वैशाखी टीवी की टीवी एंकर है। और खास बात ये है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से ये न्यूज एंकर के रूप में कार्य करना शुरू करेगी। कहाँ की, बांग्लादेश की, ध्यान रखिए। अब भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश रहा है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ की कैपिटल है ढाका। ध्यान रखिए ढाका जो है वो बिम्स्टेक का भी हेडक्वार्टर है। अब बांग्लादेश के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गिद्धों के सभी विषैलो यानी गिद्धों के लिए सभी विषैलो दवाओं पर बैन लगाने वाले दुनिया की पहले देश कौन सा बन गया है, तो बांग्लादेश। और जुलाई 2021 में 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल जो होने वाला है उसका थीम देश कौन सा है, बांग्लादेश है। और अभी जो 91वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ गोवा में, तो इसका भी फोकस देश कौन सा था, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की ध्यान रखिए शहादत रहमान को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो नाम ध्यान रखिए कौन है, शहादत रहमान। कौन सा पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ध्यान रखिए। तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए राजदूत की नियुक्ति की जाती है और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है, विक्रम दुरसाई स्वामी जी है। और बांग्लादेश के साथ अभी हमने कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया, बंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किया। इसके अलावा ये कहाँ पर किया गया है, बंगाल की खाड़ी में हुआ। और बांग्लादेश के साथ ही हम लोग मेनामती अभ्यास भी करते हैं और संप्रति युद्ध अभ्यास भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पड़ोसी देश है, इनके साथ कौन से अभ्यास करते हैं, बंगो सागर, संप्रति और मेनामती अभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा ध्यान कि भारत अपना सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। और कौन से भारतीय राज्य के साथ शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ। इसके अलावा बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो ईस्ट बंगाल यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का पुराना नाम था। और 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ कौन, बांग्लादेश। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की, यानी कि कौन सा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत। दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कौन से राज्य के द्वारा, राजस्थान के द्वारा शुरू की गई। अब इसे शुरू क्यों किया गया, तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश किया। हर राज्य अपना बजट पेश करता है, तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी बजट पेश किया और इस बजट में ही उन्होंने कहा कि ध्यानचंद स्टेडियम योजना की वो शुरुआत करेगी। अभी ये योजना है क्या, इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से हर राज्य में, माफ़ कीजिएगा, चरणबद्ध तरीके से राजस्थान में हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम का विकास किया जाएगा। क्यों, इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों का शारीरिक विकास करना, ध्यान रखिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने ये स्टेप लिया है। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन
नेशनल कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अरावली रील यहीं पे है और यहाँ का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर और सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। यहाँ की एकमात्र खारे पानी की बहने वाली जो नदी है उसका नाम है लूनी रिवर। और थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ का डांस की अगर बात करें तो घूमर डांस बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग जयपुर को। और हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला। इसके अलावा ध्यान रखें दोस्तों कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? जयपुर में, जिसकी कैपेसिटी होगी 75,000 लोगों की। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में कहाँ बना दोस्तों? वो बना है गुजरात में, जिसका नाम था मोंटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। राजस्थान के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान की भी शुरुआत की है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की और हाल ही में इंदिरा गांधी रसोई योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें से 8 रुपये में गरीबों को भोजन करवाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा ही वात्सल्य योजना और समर्थ योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सिरसा टाइगर रिजर्व यहीं पर है। और एक कौन सा टाइगर रिजर्व है आपके लिए टास्क है, फटाफट बताइए मुझे। बात करते हैं धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये भी राजस्थान है। और सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान के नागौर से हुई। और भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, जो कि है राजस्थान में। तो इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, राजस्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की किसने? राजस्थान सरकार ने। और हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसान मित्र योजना की शुरुआत की, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चलित नामक योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली विधिवत जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में भारत की पहली विधिवत जनगणना हुई थी, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 से हुई थी, ध्यान रखिए। तो ये सारे डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कितने नंबर की थी? वो 15वीं जनगणना थी, ध्यान रखिए। और हाल ही में बजट में ये घोषणा की गई थी कि जो 16वीं जनगणना होगी वो पूरी तरह से डिजिटल की जाएगी। अगला प्रश्न है कि ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो आपको समिति का नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु जो समिति द्वारा सिफारिश की गई थी उनका नाम है अमिताभ कांत सिफारिश समिति। क्या नाम है? अमिताभ कांत समिति। अब यहाँ पे ऑप्शन में तीन और समिति है, ढींगरा समिति। क्या है? 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उनसे जुड़े जो जांच हुई थी उसके लिए ढींगरा समिति गठित की गई थी। सीके मिश्रा समिति कौन है? ये ताजमहल के आसपास जो औद्योगिक प्रदूषण का निपटारे के लिए समिति को गठन किया गया था। गौतम रे समिति और जीएसटी को और ज्यादा सरल बनाने हेतु गौतम रे समिति का गठन किया गया। तो ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनों को निजीकरण करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? अमिताभ कांत जो समिति है। और भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है उसका नाम क्या था? दिल्ली, जो कि लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चली थी, नाम था तेजस एक्सप्रेस, 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। और भारत की पहली ट्रेन का नाम क्या था? ध्यान रखिए, रेड हिल नाम था। और भारत का पहला जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम क्या है? बोरीवली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, तो ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसे खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे खेल मंत्री कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू। और इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले दिल्ली से, यानी इसका पहला संस्करण दिल्ली में खेला गया था, दूसरी बार महाराष्ट्र में खेला गया और 2020 में ये असम में खेला गया था, ध्यान रखिए, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। और 2021 में ये चौथा संस्करण जो है इसका खेला जाएगा कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में ये भी घोषणा की गई कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा 2021 में हरियाणा में खेला जाएगा, उसमें 4 नए गेम्स को भी शामिल किया जाएगा।
अगला जो प्रश्न है कि जीएसटी के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन में कुल कितनी संख्याएं होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुल 15 संख्याएं उसमें होती है, यानी डिजिट्स होती है। जीएसटी की जो संख्या 15 होती है उनमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है वो स्टेट कोड होता है, बाकी बीच में जो 10 डिजिट होते हैं वो क्या होता है, उसका पैन कार्ड नंबर होता है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट होता है, फिर डिफॉल्ट डिजिट होता है, उसके बाद एरर के लिए दिया जाता है। इस तरह से कुल 15 डिजिट होते हैं जीएसटी के नंबर में। अब जीएसटी के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कब लागू किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। इसी कारण से हम लोग 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किस देश से लिया गया था, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है जीएसटी। और कितने नंबर का संविधान संशोधन था, तो 122वां संविधान संशोधन था, जो कि 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था, यानी 122वां नंबर बिल पेश किया गया था और 101वां नंबर संविधान संशोधन था जिसके अंदर जीएसटी में भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी में कुल 4 दरें हैं, ध्यान रखिए, 5%, 12%, 18% और 28%, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सीजीएसटी होते हैं, एसजीएसटी होते हैं और आईजीएसटी होते हैं, और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश थे। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी किस काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की थी, और गुप्त वंश को ही हम लोग भारतीय संस्कृति में जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ये कहाँ का था निवासी, ये चाइना का निवासी था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। और आपका आज का क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण सिन्हा, अजय सिंह, हेनरी मिनोज और एंड्री जेसी। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने डिटेल में बात की है इन सारी चीज़ों के बारे में। और हम लोग रोज रात को मिलते हैं नए नए प्रश्नों के साथ, तो जुड़ना मत भूलिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।